हम लोग जाएंगे जतमई और घटारानी, जो बिलासपुर से लगभग 201 किलोमीटर है। तो हम लोग प्लानिंग किए थे शाम को निकलने का, मतलब दोपहर को निकलने का। 3 बजे करीब हम लोग निकले थे बिलासपुर से, फिर शाम तक हम लोग रायपुर पहुँचे आराम से बाइक ही बाइक। फिर बूढ़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद सरोवर में शाम का व्यू देखे, घूमे फिरे। फिर यहाँ से हम लोग करीब 8 बजे के आसपास, 8-10 बजे के आसपास निकले राजिम के लिए। फिर रास्ते में आरएस रेस्टोरेंट एंड फैमिली में हम लोगों ने रात का डिनर किया। लगभग 1 घंटे यहाँ थे, मोबाइल को चार्जिंग किए। हम लोग अपने साथ चार्जर लेकर घूम रहे थे ताकि चार्जिंग करने में कोई दिक्कत ना आए करके। फिर यहाँ 1 घंटे चार्जिंग वार्जिंग किए। फिर रास्ते में जब हम लोग सफ़र कर रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हुआ। तो ये नीमोरा का जगह था जहाँ पर हम लोग रुके। यहाँ से रांची में लगभग 30 किलोमीटर था। यहाँ भी हम लोगों ने मोबाइल को थोड़ा चार्जिंग किया। लगभग 1 घंटे तक यहाँ हम लोग, 1 घंटा या 2 घंटा हम लोग यहाँ रुके थे। इस बेचारे का पिट पूरा गीला हो चुका था बाइक के कीचड़ से। फिर लगभग 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग राजिम पहुँचे। राजिम में हम लोग रुकने के लिए लॉज देख रहे थे, पर 12 बज चुका था तो लॉज नहीं मिल पाया हमें। तो ना चाहते हुए भी हम लोग को सब्जी मंडी में, जहाँ बाज़ार लगता है, वहाँ रुकना पड़ा। यह बाज़ार है शायद, सब्जी मंडी है ना यार? बिल्कुल वही लग रहा है। तो यहीं पर बाइक वाइक को पार्किंग करके जैसे ही सुबह हो जाएगी बस सो रहे हैं। दिखाओ बाइक को, दिखाओ हमारा बाइक उधर रेडी है। रेडी है और सुबह के इंतजार कर रहे हैं। टाइम दिखा दो, टाइम दिखाओ। तो टाइम मेरे को यही टाइम देख लो, टाइम ही देख लो। 3:25 हो रहा है, 3:25 हो रहा है। कल सुबह अब नहा धोके रेडी होके अपन कहाँ कहाँ घूमेंगे यार? राजिम, चंपारण, घटारानी, जतमई, बाग बहारा, ये हम पांचों जगह पर ड्रिंक किए हुए हैं। सुबह होते ही हम लोग घूमना फिरना स्टार्ट कर देंगे। बिलासपुर से रायपुर तक, और रायपुर से इधर 50 किलोमीटर, और बिलासपुर में 20 किलोमीटर, टोटल 170 किलोमीटर में हम लोग यहाँ पास पहुँच पाए हैं। बिलासपुर में 20 किलोमीटर घूमे अलग से, फिर वहाँ से 50 किलोमीटर है राजिम। अब फिर राजिम से वही 40-50 किलोमीटर वो है जतमई घटरानी टोटल। कहा उसके बाद बाग बहारा भी जाएंगे। टोटल कहा जाए तो अभी हम लोग लॉन्ग ड्राइव किए हैं तो 180-185 किलोमीटर पार कर चुके हैं। मौका मिला था यार तो नहीं छोड़े है भाई, घूमना फिरना मस्त लगता है। देखो भाई, एक मैं बता दूँ कि कहीं भी जाओ फिर जैसे ही सुबह हुआ, सुबह के लगभग वही 6-5 बजे के आसपास हम लोग उठ गए थे और फिर चाय नाश्ता किए, उसके बाद नहाने के लिए इधर आए। योगा योगा कर लो, बिल्कुल आ रहा है तेरे बॉडी पे, फुल्ली लॉस्ट टू फिटनेस, बिल्कुल आ रहा है। आ रहा छोटा, चल भाई पैदल। फिर लगभग 1-2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से नहा धोकर रेडी हुए। फिर हम लोग का बाइक इस तरह से यहाँ से आया था और इस तरह से यहाँ से मैं तुम्हारे पे गाड़ी हिंडल के मार सब चल। फिर राजिम में, ये राजिम का मुख्य मंदिर है, श्री राजीव लोचन मंदिर है। तो यहाँ हम लोगों ने दर्शन किया, मंदिर को घूमे एक राउंड अच्छे से। तो
फिर जतमई और घटरानी के लिए लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग निकले हैं। 15 किलोमीटर 27 किलोमीटर था। मौसम अच्छा साथ दिया हम लोग का, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुआ लेकिन बीच बीच में दिक्कत हुआ था। रोड अच्छा है, थोड़ा सा ख़राब था, बाकी फिर अच्छा रोड है उधर सब। फिर हम लोग जतमाई पहुंच गए। यहाँ हम लोग लगभग बहुत टाइम तक रहे, यहाँ 2-3 घंटे तो यहीं बिता दिए। फोटोशूट में, इधर उधर घूमने में, आराम करने में। उसके बाद वही होटल में बैठ कर थोड़ा नाश्ता वास्ता किए, फिर से मोबाइल को चार्जिंग में लगाए लगभग आधा घंटे तक, फिर उसके बाद घटा रानी के लिए निकले। फिर हम लोगों ने सोचा कि घटा रानी को ही घूम कर वापस अपन बिलासपुर के लिए निकलेंगे। सोच रहे थे कि चंपारण या भी घूम लें, लेकिन वहाँ वैसा ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं था तो डायरेक्ट निकलने का प्लानिंग हुआ हम लोग का, क्योंकि टाइम भी हो गया था। फिर घटरानी में इस तरह से अपन नहाए धोए घूमे फिरे। बहुत ही अच्छा जगह है ये, एकदम खाई है पूरा नीचे। अगर झील चलता, अगर झरना चलता एकदम सरसा सरसा,
तो बहुत मज़ा आता नहाने में। अभी हम लोग बरसात की शुरुआत में ही चले गए थे इसलिए उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर बरसात के बीच में जा रहते ना तो बहुत ही बड़ा सब कुछ देखने को मिलता सब चीज़। फिर भी बहुत अच्छा लगा, जतमाई और हटरानी घूमने का बहुत टाइम से मेरा सपना था वो पूरा हो गया। बिलासपुर हम लोग नाइट को 10 बजे के आसपास पहुँचे।